सेक्सिज्म, अब्यूज, मिसोजिनी, पैट्रियार्की, फक ऑल, और ये कहना है, फारूक साहब का कहना है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बैनर को, क्या मतलब है इस बैनर से और किस चीज़ की प्रेजेंटेशन है ये? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम। मैं एक्चुअली इस चीज़ के लिए आया हूँ, बीइंग द मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मैं इस इधर इंटरनेशनल वुमन डे पे सॉलिडारिटी शो करने आया हूँ कि जो हमारे मसले में माशरे में मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड है, जो हमारे माशरे में पेट्रियार्की सिस्टम है और ये सेक्सिज्म है, अब्यूज़ है, चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ है या वो सोशल अब्यूज़ है या वो सेक्शुअल अब्यूज़ है अगेंस्ट वुमेन, ये नहीं होनी चाहिए। मैं उसके अगेंस्ट आया हूँ एंड आई मार्च फॉर दैट। जो आप कह रहे हैं क्या मतलब है मिसोजिनी, आप किसको समझते हैं? मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड में ये कहता हूँ, इफ अ मैन एट द एज ऑफ 50 हैव 3 चिल्ड्रंस एंड ड्रिवन एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, देन अ वुमन कैन बी मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग, शी कैन बी सीईओ एट द एज ऑफ 50। शी इज ऑलरेडी मैनेजिंग वेल, डोंट यू थिंक सो? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज नॉट मैनेजिंग, मैं कह रहा हूँ कि ये जो उस वो कर सकती है वो भी मैनेज कर सकती है। जो मिसोजिनी एक है कि उसको जज ना करें आप, हमारे माशरे में किया जाता है, तो मैं इस चीज के बारे में आ रहा हूँ। मिसोजिनिस्टी ये है कि एक लड़की का राइट है कि उसका जिस्म उसकी मर्जी। ये आप ये जो फक और लिखकर, ये आपको नहीं लगता ये बहुत ही ये इस तरह के अल्फाज जो हैं पब्लिकली आपको इनकी प्रमोशन नहीं करनी चाहिए? मैंने तो सिर्फ एक वर्ड, आपको नहीं लगता मोरली एथिकल ग्राउंड्स पे ये वर्डिंग्स नहीं है जिनको पब्लिकली लेकर सड़क पे निकले? लेकिन अगर मैंने तो एक वर्ड लिखा है, ठीक है माय डियर, आप एक पाकिस्तान के बाशऊर ज़ीशऊर शहरी हैं, अगर आप इस तरह के अल्फाज निकल कर सड़क पर निकलेंगे तो आपको नहीं लगता हमारे मुल्क की हमारी सोसाइटी के एथिकल मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं? एथिकल मॉरल वैल्यू है क्या? चाइल्ड मैरिजेस, फोर्स्ड मैरिजेस, रेप्स, क्या हमारा एथिकल वैल्यूज़ हमारी क्या हैं? हम आप मुझे बता दें, क्योंकि मैंने तो जब से मैं बड़ा हूँ मैंने तो अपनी एथिकल वैल्यूज़ ये देखी हैं कि फोर्स कन्वर्जन्स हैं, चाइल्ड मैरिजेस हैं, रेप्स हैं, हमारी तो हिस्ट्री ये है। आप किस कल्चर की बात कर रही हैं? तो आप उसमें आप मतलब इसको और प्रोवोक कर रहे हैं? नहीं, नो, आई एम नॉट प्रोवोकिंग इट। मैंने तो आपके फक ऑल के वर्ड से और मतलब ये कि ऑलरेडी ये चीज़ है, तो आपको नहीं लगता कि आप उस चीज़ को मज़ीद हवा दे रहे हैं, बजाय आपको ये कहने कि आप ये भी तो लिख सकते थे प्रोस्टिट्यूशन को ख़त्म किया जाए, रेपिस्ट को ख़त्म किया जाए, इनको सज़ा देनी चाहिए, इस्लामी और पाकिस्तान के कानून के अकॉर्डिंग इनको सज़ा देनी चाहिए? लिखा है सेक्सिज्म के खिलाफ हूँ मैं, और दूसरे नंबर पे मैं इसको, मैंने तो सिर्फ वर्ड लिख दिया है ना, लोग तो इधर आपको नहीं लगता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं इस हद तक जाकर? इट इज़ माई डेमोक्रेटिक राइट। तो आप उसका नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर आपको इतनी खुली छुट्टी है कि जो मर्जी लेकर सड़क पर निकलें, तो आपको नहीं लगता आप उसका, दैट्स माय ओपिनियन, आई एम सेइंग आप उसका नजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे? नहीं नहीं, मैं उसका नजायज़ फ़ायदा नहीं उठा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है आपने क्यों लिखकर ये इतना? मैंने तो सिर्फ लिख दिया, लोग तो प्रैक्टिस करते हैं, लोग तो रेप कर देते हैं, मैंने तो सिर्फ लिख दिया, आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, मैंने तो सिर्फ, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन आप इस चीज़ की, लेकिन मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझता। हाँ, बुरा नहीं समझते, आई एम नॉट सेइंग दिस, मेरा जैसे मेरी मर्जी पे क्या कहेंगे? मेरा जैसे मेरी मर्जी का जो आपका इंटरप्रिटेशन है वो इतना गलत है। अगर आपका जिसम आपकी मर्जी नहीं है तो क्या किसी और की मर्जी है? आप ये कहाँ से टर्म आई है पाकिस्तान में, पता है आपको? जी मुझे इसकी बेसिक पता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे वो दैट इज़ नॉट फाइन। क्या पता है आपको, मतलब क्या हिस्ट्री है इसकी? देखिए अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री इसकी बताऊं। ऐसा नहीं होता ना माय डियर, रिसर्च किए बगैर और पढ़े बगैर आप कुछ भी बैनर लेकर आप सड़क पे आ जाओ और आपको लगता है कि आपको कोई पूछेगा नहीं, आप क्वेश्चनेबल नहीं हो? मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर रहा हूं। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नजायज़ फायदा उठा रहे हैं अगर आप माय बॉडी माय चॉइस और फकॉल को लेकर अगर आप ये बैनर लेकर निकलते हैं, तो ये वर्डिंग्स नहीं है सड़क पे निकलने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। कम ऑन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में और भी बहुत चीज़ें नहीं है जो कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं आप, ये क्या वर्ड्स लेके निकल रहे हैं? उसके खिलाफ उठा रहा हूँ, उसके खिलाफ कोई और उठाएगा, मैं तो उसके खिलाफ आया हूँ, आज वुमेन इंटरनेशनल डे है। बट आपका तरीकेकार ठीक नहीं है, आपको लगता है ये तरीकेकार ठीक है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ओपिनियन से ये होगा, बट मेरे ओपिनियन से मुझे नहीं लगता कि किसी वेस्टर्न कंट्री में फक ऑल का वर्ड जो है वो एक्सेप्टेबल है किसी भी सोसाइटी में। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, दो इट्स वर्थ लेस, थैंक यू सो मच। फाइन माय डियर, मैं लोगों से गुजारिश करूंगी अगर आपके पास उस बैनर को जो लेकर आप सड़क पे बड़े मज़े से निकल आए हैं, अगर आपके पार्ट पे कोई रिसर्च नहीं है, कोई तहकीक नहीं है, आप एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में फक ऑल का वर्ड लेकर सड़क पे निकलते हैं और आप समझते हैं कि इट्स सर्टनली ओके इफ़ यू आर यूजिंग दिस वर्ड, अगर आपको हुकूमत की तरफ से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतनी खुली आज़ादी है, तो आपको हमारे मुल्क के कानून का और पाकिस्तान का इस बात पर शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि और इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। सो आपके आप भी क्वेश्चनेबल हैं, आप भी अकाउंटेबल हैं। रिबेलियस वुमेन विल चेंज द वर्ल्ड, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं आप इस बात से? बेसिकली इसका मतलब ये है कि रिबेलियन या एंगर हमेशा नेगेटिव नहीं होता, एंड के आप इसको चैनल कर सकते हैं टू समथिंग पॉजिटिव। और जब आप रिबेलियन की बात करते हो तो उसका मतलब होता है रिबेलियन अगेंस्ट
towards toxic natures, toxic mentality, and the problems and issues. So when you rebel against toxicity, you're rebelling against a standard which has been set for centuries, and you're saying you need something better. We need something better, basically. So aapko nahi lagta rebellious is a terminology that can go controversial as well? अगर कॉन्ट्रोवर्शियल की बात है तो एनी वर्ड कैन बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. लेकिन ये तो ऑलरेडी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं होती. रिबेलियस का मतलब जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट ममालिक में रिबेलियस मीन समथिंग नेगेटिव. वो खवातीन, वो बच्चियाँ जो कि इतना पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो आपको नहीं लगता रिबेलियस का मतलब बगावत से लेंगे और वो मतलब किसी और तरफ भी ये बात जा सकती है? तो बजाय इसके कि आप इससे आपकी बात से कोई पॉजिटिव चेंज के लिए, जिसके लिए आप यहाँ पे सोशल चेंज के लिए मौजूद हो, आपको नहीं लगता कि इसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं? किसी की हेल्प हो रही है तो किसी का नुकसान भी हो सकता है इस टर्मिनोलॉजी से. आई वुडंट वांट टू ब्रिंग नेगेटिव चेंज. आई एम नॉट, आई हैव नो डाउट ऑन योर इंटेंशंस. आई फील लाइक के आई कैन रिप्रेजेंट जो मैं कहना चाह रही हूँ. आई कैन एक्सप्लेन माई ओपिनियन एंड माई वर्ड्स एंड आई होप कि इट गेट्स इंटरप्रेटेड. यू आर एक्सप्लेनिंग, दैट्स व्हाई आई गॉट टू नो व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज. लेकिन आपके इस खाली बैनर से आपके खूबसूरत ख्यालात का इजहार नहीं हो रहा. आपके इस बैनर से सिर्फ एक रिबेलियस नेचर, एक बगावत का बैनर लेकर आप हेड़ेंगे कि बगावत करने से चेंज आएगा. इसका देखने से तो मतलब जनरली स्पीकिंग यही निकल रहा है ना. सो आपको नहीं लगता लोग इससे बागी हो सकते हैं इस एक बैनर से, और आपकी इस खूबसूरत थॉट्स को जो है वो उस पर कुछ डाउट कर सकते हैं कि व्हाट यू आर प्रमोटिंग? यही बात रह जाती है कि आवर ड्यूटी इज़ टू जस्ट लाइक पुट आवर पॉइंट फॉरवर्ड एंड होप फॉर द बेस्ट. हेल्प एक्सप्रेस के आप एक्सप्रेस कर लो कि उसका मतलब क्या है, एंड होप यू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज एंड होप इट आउटवेज द नेगेटिविटी. तो आपको नहीं लगता इसको आपको मजीद एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए था एज कम्पेयर टू जस्ट फ्यू वर्ड्स? अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली गलत मतलब हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में होंगे तो आई डोंट थिंक यू शुड. मेरा जैसा मेरी मर्जी, बाकी सारी बातें फर्जी. क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप इस बैनर से? रिप्रेजेंट ये करना चाहते हैं कि अभी ये जो पिछले एक हफ्ते से जिस्म पे डिबेट हो रही है कि एक नारा था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस पर अब उस पर बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, तो उसकी मुख्तलिफ जो इंटरप्रिटेशन हैं वो पेश की जा रही हैं. आपको पता ही है आप कहते हैं कि इसका मतलब औरत का जिस्म नहीं है, ये तो खुदा की अमानत है. कुछ कहते हैं इसमें ये तो मुआशरे की अमानत है, समाज की अमानत है. तो एक्चुअली ये नारा ये था कि मतलब ये जो जिस्म है इसकी ओनरशिप का एक क्लेम था औरत की तरफ से, कि जितने भी उस पर जो भी उस पर बीत रही है अभी तक, आप देख रहे हैं कि तेजाब फेंका जाता है, उसको बरहना फिराया जाता है, उसको जलाया जाता है, बचपन में शादी की जाती है. तो ये एक्चुअली इसकी रीज़न ये है कि उसका जिस्म उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी ओनरशिप में नहीं है. अगर उसकी ओनरशिप में हो तो ये सारे प्रॉब्लम. आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ओनरशिप में औरत का ऑनरशिप औरत की उसके जिस्म की उसकी होनी चाहिए. लेकिन आपको मालूम है ये टर्मिनोलॉजी न कहाँ से निकली थी, कहाँ से अखज़ हुई थी, ये कहाँ से पाकिस्तान में आई है? वी डोंट नो अबाउट इट. तो आपको नहीं लगता अपने इस मौकफ को आपको मजीद डिटेल से किसी और मायने में पेश करना चाहिए बजाय इसके कंट्रोवर्शियल टर्मिनोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के? ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है. ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि समाज के बाज लोगों को ये डिमांड पसंद नहीं है, उसको उन्होंने और तरह से इंटरप्रेट किया है और उसको मरकजी मीडिया में और मुख्तलिफ जो है वो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है. अदरवाइज इनहेरेंटली इट डज नॉट हैव एनी इशू. क्या आप जानते ही नहीं है कि इसका ये कहाँ से खजुई, कहाँ से पाकिस्तान में आई है? व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, मदीहा, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने बैनर उठाया हुआ है स्पीकअप के नाम से. सो स्पीकअप से इनकी क्या मुराद है, क्या रिप्रेजेंटेशन है इनकी, इस हवाले से इनसे बात करते हैं. वालेकुम सलाम. आई थिंक अब हम उस वी लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे हमें अपने हक के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी है, और जो भी हमारे ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही हैं औरतों के ऊपर कलेक्टिवली, जो इनजस्टिसेस हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें लड़ना है. और तब तक ये मिशन पूरा नहीं हो सकता जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे. जब तक हम चुप करके रहेंगे, पिसते रहेंगे और सब बर्दाश्त करते रहेंगे, तब तक चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होंगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी. दैट्स वाई आई बिलीव that we need to speak up, all of us need to speak up. So do you think Aurat March is the best platform to speak up? I definitely, this is a movement, this is historic. I think in Pakistan 10 saal baad jab hum ye history utha ke dekhenge, so I think this will be a really big contributor to you know, to enable women to get their rights that they need, that they want. Aur jo log chahte hain ki awaaz na uthe unko kuch message convey karna chahengi? Unke paas apni zahir raaye ka haq hai, to they are right now they are exercising that right. And I think that they should let
us exercise our right to speak up. जो एक controversial statement है मेरा जैसे मेरी मर्जी की, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? यार आई थिंक लोगों ने इसको बिल्कुल इस स्लोगन को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो इंटरप्रेट किया है. देयर इज़ अ मच डीपर मीनिंग. आई थिंक लोगों को सिर्फ इस चीज़ से प्रॉब्लम है जो कोनोटेशन इसकी नेगेटिव है जिस्म के वर्ड की बेसिकली. अदरवाइज अगर आप इसके मीनिंग को अगर आप जो है वो इन डेप्थ स्टडी करें तो इट मीन्स द मीनिंग ऑफ दिस स्लोगन इज़ मच डीपर. इट टॉक्स अबाउट द राइट द ऑटोनोमी ओवर योर बॉडी कि आप बाहर सड़क पे जब जा रही हो आपको कोई हरास नहीं करे. आप अगर कोई आपके साथ ज्यादती ना हो, अगर आप एक छोटी बच्ची हैं, चाइल्ड अब्यूज के अगेंस्ट है ये, दिस इज़ मैरिटल रेप के अगेंस्ट है, ये सेक्शुअल हरासमेंट के अगेंस्ट है, ये सारी चीज़ें आप लोग इग्नोर कर रहे हैं और आप सिर्फ ये इसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये वर्ड इसमें ये यूज़ क्यों है या ये नेगेटिव कॉनोटेशन है या ये कॉनोटेशन पे नहीं जाना चाहिए. मतलब यस यू नीड टू सी व्हाट इट मींस. एक्सप्लेनेशन पे जाना चाहिए, कॉनोटेशन पे नहीं जाना चाहिए. हमारे साथ तुबा मौजूद हैं. तुबा इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस वुमेन मार्च. उनसे बात करते हैं. तुबा आप बहुत अच्छे से सुबह से पुरअम तरीके से दोनों साइड्स पर जो था मार्च जारी था, जो हया मार्च वाले उनकी साइड से भी और इधर से भी. सो अचानक ये जो इंतशार की फिजा फैल गई, जो पथराव हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी पहली बात तो ये इंतशार की जो फिज़ा फैली थी उसकी एक वजह थी और हुआ ये कि जो ही हमारा मार्च निकलने लगा तो उस तरफ से जो हजरात थे उन्होंने पहले तो हम पे लानत भेजना हाथों से शुरू किया और उसके साथ उन्होंने बहुत ही वाहियात इशारे किए जो शायद मैं अभी इधर नहीं कर सकती. जो मज़हब के ठेकेदार थे उनके कुछ ख़ास इशारे थे जो उन्होंने करने शुरू किए और उसके बाद जो ही हमने विक्ट्री साइन हमने बुलाया, हमने कुछ नहीं बोला, कोई गाली कोई इस तरह की बात नहीं. उसके बाद उन्होंने हम पे हमला किया जिसमें हमें पत्थर भी आके लगे, मुझे भी कमर पे आके लगा. जो हमारे साथ और गाड़ी के ऊपर साथी थे उन पे भी पथराव हुआ. फिर जो मार्च के शुरका थे उन पे भी पथराव हुआ. लेकिन ये रिजॉल्व था और ये लोगों की कमिटमेंट थी कि वो वहाँ से हिले नहीं और मार्च फिर भी हमने अपना जारी रखा. पुलिस ने किसी हद तक तो साथ दिया लेकिन आप लोग क्योंकि वहाँ मौजूद थे वो भी पीछे हट गई थी और एक तरह से हमें ही छोड़ दिया था कि हम उनसे मुकाबला करें. और आप बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि अचानक ऐसा हो जाएगा? मैं बिल्कुल ऐसा मैं पुलिस के होते हुए शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी लेकिन जिन लोगों ने हमला किया शायद उससे उनसे कुछ बेहतर भी मेरी उम्मीद ना है और ना आगे कभी होगी. सो आपका क्या ख्याल है कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस मजीद निकल सकते हैं? लाइक जो दोनों तरफ से थोड़े से हंगामा आ रही होगी इसके मजीद अब आने वाले दिनों में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? आई थिंक ये फैसला तो इस मुल्क की हुकूमत करेगी और इस मुल्क के लोग करेंगे कि इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. क्या इस मुल्क में औरतों के साथ जो जबर और जुल्म हो रहा है, जो रोज़ रोज़ हम रेप की कहानियाँ 6 साल की बच्ची से लेके एक मरी हुई औरत के कब्र के अंदर रेप तक कहानियाँ जो सुनते हैं, क्या वो इस मार्च के बाद ख़त्म होंगी या वो जारी रहेंगी? ये ख्याल कि वो भी तो उतना ही दर्द दिल रखती हैं और उन एसिड विक्टिम्स और रेप विक्टिम्स के खिलाफ में आपको ख्याल है वो उसको प्रमोट थोड़ी करने के लिए यहाँ पे आई? मैं बिल्कुल लोग तो आपके अगेंस्ट आए थे. बिल्कुल तो नहीं आए थे. मुझे लगता है कि वो जिस तरह वो आए थे और जो उन्होंने किया शायद वो एसिड विक्टिम के हक में नहीं किया उन्होंने किया. और मुझे ये भी और अगर ये मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये वो पार्टियाँ या वो लोग हैं जो हुकूमत में रह चुके हैं, ठीक है, इनके पास मंशूर भी मौजूद है, ये हुकूमत में पावर में रह चुके हैं ये लोग. तो इसमें जी हाँ, तो जब ये पावर में आते हैं तो उस वक्त मौका होता है करने का. अगर आप और आज तक मैं ये भी जानना चाहूँगी कि रेप के ऐसे विक्टिम्स के खिलाफ या उनके साथ जो जुर्म हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ क्या इकदाम उठाए गए हैं? लिप सर्विस तो प्रोवाइड करना बहुत ही आसान होता है. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बजा था. लेकिन वो लोग एसिड रेप विक्टिम्स के खिलाफ आपकी आवाज़ रोकने नहीं, वो आपके खिलाफ. आपको किसने कह दिया कि इस मार्च के अंदर वो विक्टिम्स शामिल नहीं थे? उन आपको मुझे लगता है कि यू आर वेरी राइट. तो अगर वो उन्हीं की आवाज़ दबा रहे हैं तो किसकी आवाज़? क्या आपको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 औरत के साथ हरासमेंट होती है, हर दूसरी औरत को घर में मारा पीटा जाता है? तो जब ये हजारों औरतें बाहर निकली थी तो किसने कह दिया इसमें रेप विक्टिम्स नहीं थे? किसने कह दिया कि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स नहीं थी? जा ही नहीं रहे, जो आप बात करें वो बात ही नहीं करें, वो आपके तरीकेकार के खिलाफ आवाज उठाने बाहर निकले. बिल्कुल उनके ख्याल से आपका तरीका गलत है, आपकी बात ठीक है. मुझे अदब से और तमीज से जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी नहीं आती. मुझे हाथ जोड़ के जुल्म के खिलाफ ना तो कभी किसी ने आवाज़ उठाई है और ना ही किसी ने आज तक झुक के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है. मुझे नहीं लगता कि ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का कोई तरीका होता है. थैंक यू वेरी मच. ओके थैंक यू सर.